जब जरूरत पड़ रहा है हमने अपन पिटिया में लाठी भी खा रहा है, जेल जा रहा है, अरे हमने तो घरवा तोड़ के हमने कभी कभी अरेस्ट ले आ जाता जकरा रोडवा में पावे, अरे तो फलना पार्टी का इसको गाड़ी में भर, तो ऐसा बात ना है। हमने हर एक परेशानी के झेलते हुए, हर एक समस्या के झेलते हुए फिर भी हमने डटा लिया, ताकि हमने के विश्वास आया कि शायद हमने एक ऐसा पीढ़ी है जो आज झारखंड के हक हुकूक के समय काहे कि देख ले कोई भी आंदोलन में हुआ एकर से पहले डोमिसाइल के मूवमेंट बाबूलाल मरांडी के टाइम में 2002 में भेला। बहुत से बोल रहा है कि नहीं बाबूलाल मरांडी के समय को याद कीजिए क्या हुआ था, हम तो हमने भी बार बार कह लिए ये 2002 का समय नहीं है, ये 2024 का टाइम है। तो एकर मतलब की है कि फिर से 20 साल के बाद कोई आंदोलन खड़ा पड़ा, और से पहले आंदोलन का बुलाए जब शहीद वीरबल महतो के हत्या के समय है, और सभी इनके मालूम है अगर आज झारखंड आज अलग फैलाए तो अगर मैं सबसे पहला नाम सबसे बड़ा नाम को बुलावा है तो शहीद वीरबल महतो का हुआ है। कहे जब अगर हत्या फैल आए उस समय झारखंड के सबसे बड़का पार्टी, आज भी सबसे बड़का पार्टी झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी के सबसे बड़का लीडर हलाय पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जे स्थान है शिबू सोरेन में है, वो स्थान उस समय निर्मल महतो हलाय जब ओकर हत्या भेल। तो 20 साल के बाद एक आंदोलन तैयार रहे, अब की भेलै अगर आज हमने मौका गवाय दे, आज अगर हमने झारखंड के बारे अपन आने वाला भविष्य के बारे ना सोचे है तो ऐसा बात ना है कि हमने सब कुछ लगी, फिर से आने वाली पीढ़ी आएगी, नया मौसम आएगा, नए लोग आएंगे, लेकिन कम से कम 20 साल के बाद कल नहीं आएंगे, अगर कल ही आ जाते ना तो कितना लोग प्लानिंग कर लेगी जरा महत्व हटाएंगे भाई, आसान नहीं होता। 20 साल झारखंड की मिट्टी में 20 साल का टाइम लगेगा, 20 साल के बाद आएगा। तो यानी अगर हमने पास दोबारा मौका मिले तो 20 साल बाद, जब 20 साल बाद हमने के दोबारा मौका मिले तो ना आंदोलन करे के विषय के समझे के झारखंड के साथ है की रहा है, तब तक बहुत कुछ लूट लूट बहुत कुछ लुटाई गई बहुत कुछ। अब ये देख ले आज अगर कहें धन्यवाद कल कारखाना बने में डैम बने में स्कूल उद्योग स्थापित है में झारखंड के आदमी अपन जमीन लुटाए दे, जमीन इतना लुटाए दे इतना लुटाए दे कि आज खुद वो बहुत जगह त्रिपाल देख के रह रहा है, आज वो बहुत जगह स्थापित भाई के रहा है, चंडी डैम चल जाओ वहाँ अपने के ढाई 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 जमीन मिला है ओकरे में घर भाड़े के रहा, बदले में की दले सरकार के 10 एकड़ जमीन दिलाए कोई 15 एकड़ जमीन दिलाए, लेकिन आज बदले में अपने के ढाई ढाई जमीन मिले। तो हमारे कह के मतलब हो कि जब 20 साल बाद दोबारा आंदोलन है तो दोबारा कोई नया लड़का के फौज है तो तब तक शायद झारखंड के पास कुछ बचल भी रहते हो कि ना, बहुत बड़ा सवाल है। आज हर एक प्रकार के नियोजन के देख ले, आज हर एक प्रकार के नौकरी के देख ले, आज केवल पुरुष के ही बात मत कर, महिला के बात कर ले, आज हर एक युवा के बात कर ले, किसान के बात कर ले, नौजवान के बात कर ले, मजदूर के बात कर ले, अरे किसान मजदूर और नौजवान तो छोड़, अगर वो झारखंड के अधिकारी भी लगो ना तो झारखंड में अपन शोषण में रहेगा। आज हजारीबाग अस्पताल के वैकेंसी है, उस तमाम वैकेंसी को उठा के देख ले, चाहे वो टीचर के बहाली रहे, चाहे वो असिस्टेंट लेबर बहाली रहे या अन्य कोई भी बहाली रहे, गांव में ओकरे वैकेंसी में जर्जर कर के लो, गांव में नौकरी ओकरे मिल लो जो झारखंड के लगे, शहर में ओकरा मिल लो जो गैर झारखंड, क्योंकि शहर में पैसा हो शहर का दाम मिलते एक एक बहाली के, यानी कितना साजिश के साथ हमने एक सीट के बेचल जा रहा है, हमने एक नौकरी के प्रदेश यात्री के बेचल जा रहा है। आज देख ले अभी रांची में कुछ दिन पहले हमने देवेंद्र के नेतृत्व में जो सहायक पुलिस कर्मी आंदोलन कर ले, हालांकि हमने 3 साल 8,000 रुपया बढ़ाए चल गया, लेकिन आज लाठी खाई गए पारा टीचर अगला दिन लाठी खाई गए, आज पंचायत सचिव धरना में बैठा लो, कहीं जाके देख ले तो कोई डैम के किनारे विस्थापित धरना में बैठा लो, अगर पूरा झारखंड धरना में बैठा है, कोई राजभवन में धरना में बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास में धरना में बैठा लो, कोई किसी माइंस के सामने धरना में बैठा लो, कोई कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरना में बैठा लो, कोई वीडियो के ऑफिस के सामने धरना में बैठा लो, अरे जब झारखंड के आदमी धरना में बैठा लो तो कमाई क्या कर रहा था, सवाल है ना।
हर घर तो धरना में है, पारा टीचर धरना में, रसोईया धरना में, आंगनबाड़ी के दीदी धरना में, जल सहिया धरना में, संत पंचायत सचिव धरना में, स्वयं सेवक धरना में, सहायक पुलिस कर्मी धरना में, अनुपम कर्मी धरना में, पारा मेडिकल स्टाफ धरना में। तो भाई समाज में कमाई के स्पष्ट क्या चाहिए कि झारखंड राज्य आज 24 साल में इस राज्य के अलग तरह में बहुत लंबा संघर्ष बना है, लगभग 88 साल। क्योंकि इतिहास बोला है कि पहली बार 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग कट गया, तभी झारखंड भी डिमांड कर लाए कि हमको भी सेपरेट कर, हम भी बिहार के साथ नहीं रहे। 1912 में पहली बार मौखिक रूप से झारखंड अलग करे के बाद उठवल गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत देश आए 1928 में, तो लिखित रूप से पहली बार झारखंड अलग करे के बाद उठवल गया। ऐसा करते करते 1949 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, कार्तिक उरांव के नेहरो के नेतृत्व में, तो 1970 के टाइम आ गए विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड एके राय, किशन सिंह शिबू सोरेन, टाइम आ गए निर्मल महतो, ना जाने सैकड़ों शहादत दिल गए। तब जाए के 2000 के भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन झारखंड के 46% बिहार के भूभाग के उस समय के 18 जिला के 79,714 वर्ग किलोमीटर के काट के अलग झारखंड बनाए के दिए गए। लेकिन आज सवाल है कि केवल झारखंड हमने नक्शा में अलग मांगा ला, लेकिन केवल झारखंड हमने नक्शा में अलग मांगा ला लिया। आज हजारीबाग जिला है, हजारीबाग में जितना भी साधन संसाधन है, हजारीबाग के जितना भी चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या फिर कलेक्ट्रेट है, वहाँ चलो एक सर्वे कर ले, तमाम बढ़िया कॉलेज चाहे वो मेडिकल के रहे हैं, इंजीनियर के जगह रहे हैं, जो भी जगह या व्यवस्था है वहाँ तो एक सर्वे कर ले कि झारखंडी कितने हैं और गैर झारखंडी कितने हैं। विंडवा भावे हमारे एक प्राचीन विश्वविद्यालय, प्राचीन नहीं 1992 का है लेकिन पुराने विश्वविद्यालय कह सकते हैं, पुराने विश्वविद्यालय में से एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय है। आज वहां आप जाके पता कर लीजिए कि कितने झारखंडी हैं और कितने गैर झारखंडी हैं, लगभग 75%। तो भाई अगर झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी, झारखंड राज्य लड़ने के बाद भी, मरने कटने के बाद भी, अगर यूपी के लोग, बिहार के लोग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लोग अगर यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाएंगे, यहाँ की ठेकेदारी में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ के आउटसोर्सिंग में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ की एजेंसियों में उनका वर्चस्व रहेगा, तो झारखंड बनाना ही क्यों था, झारखंड बढ़ाना ही क्यों था, अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की नौकरियों में उनकी पकड़, यहाँ की प्रशासनिक सेवा में उनकी पड़ा पकड़, यहाँ की जुडिशियरी में उनकी पकड़, तो झारखंड बढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं आप बता दूं अगर हमारा एक भी अल्फाज गलत है तो हम लोग कल से घर में बैठ जाएंगे, आप कहीं चले जाएंगे, आप हाईकोर्ट भी चले जाइए, वहाँ जज की संख्या गिराइए, आप कहीं चले जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप किसी विभाग में चले जाइए, हर जगह झारखंड के लोगों के साथ 100 साल अत्याचार की जो दास्तान चलाई गई थी आज से सैकड़ों साल पहले से आज तक वही बड़ी बड़ी। इसलिए आज हम लोग एक नया प्रयास करने आए हैं और साफ कहने आए हैं कि महाराष्ट्र मराठियों का है ना भाई, महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, बिहार झारखंड सबके पापा नहीं है। समय मांग करने आए कि झारखंड सबके पापा नहीं है। हमारे राज्य से सटे हुए 5 राज्य हैं, हमारे राज्य से सटे हुए 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या उन 5 राज्यों में हमारे किसी भी व्यक्ति ने 1 इंच कहीं कब्जा करके रखा है, 1 इंच कहीं कब्जा किया है? उड़ीसा की राजधानी में चलिए हजारीबाग का टाउन, चलिए रांची का टाउन, चलिए धनबाद का टाउन, बोकारो मरो जाइए, वहाँ पूरा सेल का जमीन कब्जा कर दिया। ये व्यवस्था नहीं है भाई, ये व्यवस्था सही नहीं है। आज हम आ रहे हैं विजय भैया, कौन सा न्यूज़ है? द इंडियन टाइम्स का,
एक इंग्लिश रिपोर्टर आए हिंदी में, हालांकि पूछे तो उन्होंने भी यही कहा कि शहर में आपने पकड़ नहीं है और शहर में उद्योग शहर में उद्योग नहीं लगता है, उद्योग गांव में लगता है, लेकिन जैसे ही उद्योग लगता है वो शहर बन जाता है। उद्योग शहर में नहीं लगता, कोई कंपनी शहर में नहीं लगती है, वो कंपनी गांव में लगती है, लेकिन जैसे ही कंपनी लगती है वो गांव शहर बन जाता है। चाहे वो तिलैया रहे, चाहे हमारा सिंदरी रहे, चाहे कोई भी गांव रहे, तो ये दशा कहीं नहीं है। इसलिए आज अब सवाल है कि आखिर कारण क्या है, आखिर किन कारणों से हमारे राज्य की दुर्गति, हमारे राज्य 14 साल बाद एक राज्य बना था। मालूम है ना आपको, हमारे राज्य से 14 साल बाद एक राज्य आना था, उस राज्य का नाम था, नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कटके 2014 में एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आज तेलंगाना राज्य जीडीपी के मामले में भारत का दूसरे नंबर का राज्य है। करंट स्थिति क्या है, शायद आप लोग या तीसरा होगा या दूसरा होगा, यानी 14 साल बाद एक राज्य बनता है। अभी उस राज्य में हमारी तरह माइंस नहीं है, हमारी तरह स्रोत नहीं है, हमारी तरह संसाधन नहीं है। आज वो राज्य भारत देश में जीडीपी देने के मामले में दूसरे नंबर का राज्य है। और अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो हम भी हैं टॉप में, लेकिन पीछे से हम पीछे से टॉप में। अभी कौन झारखंड, जो झारखंड कोयला देता है, जो झारखंड अभ्रक देता है, जो झारखंड यूरेनियम देता है, जो झारखंड थोरियम देता है, जो झारखंड मीथेन गैस देता है, जो झारखंड लोह अयस्क देता है, जो झारखंड तमाम प्रकार के अयस्क देते हैं, आज वो झारखंड कहाँ है? अगर शिक्षा की बात करें तो पीछे से, स्वास्थ्य की बात करें तो पीछे से। अगर आप स्वास्थ्य हाल जानना चाहते, स्वास्थ्य हाल जानना चाहिए, हर एक इंसान को स्वास्थ्य भी हमारा अधिकार है। आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है? रिम्स। झारखंड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी रिम्स को कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो बंद कर दे। यानी हमारे राज्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर भी सवाल खड़ा है। इतना लूट मचा है, इतना भ्रष्टाचार फैला है, इतना करप्शन है, इस राज्य के सर्वोच्च स्वास्थ्य केंद्र में सवाल खड़ा है, रिम्स में सवाल खड़ा है। और ये सवाल हमने नहीं, इस राज्य के माननीय हाईकोर्ट ने खड़ा किया कि बंद कर दिया। तो भाई ये राज्य बना किसके लिए? आप हमारे स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, आप हमारे शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप हमारे रोजगार की नहीं बात करोगे, तो ये राज्य क्या केवल मुख्यमंत्री बदलने के लिए बना है? ये राज्य क्या कुछ परिवारों के लिए बना है? आप बताइए। हम तो सुने थे कि खाली हेमंत दादा ही अपने परिवार को देख रहे हैं, यहाँ जानकी यादव और अमित यादव की तरफ चर्चा बनती जा रहा है। ऐसे कैसे चलता हो चचा भतीजा? ये घर घर कोहनिया साहब आ बेटा, आप बताओ कोहनिया साहब। हम तो सोचे थे कि खाली जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब है वो आनंद फानंद में कल्पना भाभी को चुनाव लड़ाया, गांडे से गांडे जीत गई, चंपई चचा को बैठा दिए, मुख्यमंत्री बन गए। तो बिल्कुल आप 3 महीना माननीय मुख्यमंत्री 3 महीना कुर्सी से बाहर नहीं रह सके, तो सोचिए हम लोग 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल घर से बाहर जाते हैं हजारीबाग के लॉज में कैसे। आप माननीय मुख्यमंत्री 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से, जबकि आप तो विधायक थे, आप परेड से विधायक थे, विधायक का भी पेमेंट 3 लाख के आसपास आइए है, विधायक की नहीं मिले तो 50,000 महीना में लिया जाता, फिर भी आप 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर नहीं रह पाए, तो सोच के देखिए उन छात्रों का जो अपने गांव को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के हजारीबाग में रांची में 10 सालों से 15 सालों में एक 10 बाय 10 के कमरे के तापमान को सहते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कैसा बीतना होगा? मैं बताइए क्या भाई, कुछ परिवार के लिए झारखंड अलग हुआ था? चाहे वो किसी का परिवार रहे, मुख्यमंत्री का परिवार रहे, चाहे बरगट्टा के चचा भतीजा का परिवार रहे, चाहे हजारीबाग के यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा का परिवार रहे, चाहे
एलईडी में चंद्र प्रकाश चौधरी जी और उनके भतीजा संजय के नेता जी का परिवार में ये राज गिने चुने परिवार के लिए अलग नहीं हुआ था, ये राज अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनता अलग हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए, ये राज अलग हुआ था उनकी बेहतर स्थिति के लिए। तो इसलिए आज 24 साल के बाद भी, आज 24 साल के बाद झारखंड का हर एक युवा जो थोड़ा सा भी राजनीति को समझता हो, जो थोड़ा सा भी राजनीति ज्ञान रखता हो, आज गांव की गलियों में, आज खेतों की पगडंडियों में, आज चाय की दुकान में, पान की दुकान में बैठ कर ये चर्चा करता है कि राज्य किसके लिए बना था, ये राज्य किसके लिए बना था। हम तो प्रदेश जा रहे हैं, अरे हम तो कुवैत, हम तो दुबई, हम तो मलेशिया जा रहे हैं। यही बरकट्टा क्षेत्र के लोग बम्बई में मिले थे, बहुत पीड़ादायक स्थिति बताई उन्होंने। यही बरकट्टा देखिए दादा लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, यही बरकट्टा के लोग बम्बई में मिले थे, यही जयनगर पिक्चरों के लोग बम्बई में मिले थे, यही राजधमार के लोग हैदराबाद में मिले थे, यही विष्णुगढ़ और भगतगढ़ के लोग पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो ये सवाल तो आज जो राज्य 40% खनिज संपदा देता हो, जो राज्य के कण कण में खनिज है, जो राज्य करोड़ों का टर्नओवर देता हो, वो राज्य किसके लिए, किसकी झोली में ये राज्य। आज यहाँ के नौजवान पलायन करके प्रदेश जा रहे हैं, आज यहाँ के नौजवान पलायन करके विदेश जा रहे हैं, और विदेश जा नहीं रहे हैं, प्रत्येक 15 दिन में बड़ा दर्दनाक, एक दुखदायी, एक पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है। जब दुबई से, मलेशिया से, सूरत से, हैदराबाद से, केरल से एक डेड बॉडी घर आती है, बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है। कल भी एक आएगा, डेड बॉडी आई है। क्या दृश्य बना दिया राज्य का, कभी किस राज्य का, जहाँ 40% खनिज लेता। क्या ये इनकी जिम्मेवारी नहीं थी जिनको हमने सत्ता दिया? क्या ये चाचा भतीजा के साथ साथ देश राज्य में जो बाप बेटा की सरकार है उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी इन विषयों पर सोचने की, इन विषयों पर चिंतन मंथन करने की? यहाँ तो सुनने में आया है कि जो चाचा भतीजा का गुणगान करता है चापाकल उनको मिलता है। क्या व्यवस्था बना दिया है भाई? ये व्यवस्था इन्होंने बनाया है कि यहाँ जो उनका गुणगान करता है, जो उनकी चरण पादुका को अपने मस्तिष्क से, अपने सिर से स्पर्श करने का काम करते हैं, उनको यहाँ चपाकल मिलता है, उनको यहाँ काम मिलता है। ऐसे राजनेता नहीं होने चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, कल धनबाद हम कोर्ट गए थे, एक बहन भरने पर बैठी थी, उनके पति का किसी ने हत्या किया था, कल नहीं शायद को समय याद नहीं आ रहा, एक दो दिन का विषय है। हम गए और धरने पर चुपचाप बैठ गए। मीडिया वालों ने पूछा क्या मामला है, हमने कहा मुझे नहीं, हम बोले हमने देखा कि एक लाचार बहन धरने पर बैठी है, हम इनका समर्थन देने आए हैं। हम वो नेता नहीं बनेंगे कि बूथ देख कर काम करेंगे, क्योंकि आज एक दौर आया है क्योंकि अगर आपके बूथ से नेता जी का वोट नहीं है तो वहाँ काम नहीं करेंगे। और कुछ नेता जो इतने दुष्ट हैं, इतने दुष्ट हैं, इतने खत्म मानसिकता के हैं कि अगर आपके बूथ से वोट नहीं आया है तो बिजली लाइन का कनेक्शन कटवा देंगे। उस नफरत की राजनीति को करने नहीं आए हैं, हम लोग एक नई दिशा की राजनीति करने आए हैं। और विश्वास कीजिए, एक दिन मेरे 20 विधानसभा के कुछ लोग आए, 4 घंटा मैंने उनको समय दिया, 4 घंटा के बाद बीएसपी को, कभी महिला थाना को इधर उधर फोन करने के बाद जब उनकी समस्या का समाधान हो गया तब उनकी आंखों में आंसू था। आंसू इसलिए था कि आप गजब नेता हो, हम लोग वोट नहीं दिया, हम बोले दोबारा मत बोलिए, काम हो गया ना, घर जाए, बहन का साथ है ना, जेल में कना छुड़ा दिया ना, घर जाए। खुद रोते हुए कहा कि हमारे बूथ से हमारे पूरे गांव से आपको 20 वोट मिला, हमने कहा कोई बात नहीं, अगला बार 21 को दीजिए, लेकिन काम लेके आइएगा, हम जरूर सुनेंगे। हम वो नेता बनने नहीं आए, हम लोग वो नेता बनने नहीं आए, हम लोग एक नई विचारधारा के साथ राजनीति करने आए हैं। अगर हम भी वही करेंगे तो हमें और उनका अंतर क्या रहेगा? अगर हम भी उनकी राजनीति करेंगे तो हमें और उनमें अंतर क्या रहेगा? हम लोग अंतर पैदा करने आए, हम लोग फर्क उत्पन्न करने आए हैं। इसीलिए आज इस राज्य में हमें एक स्थान मिला, इस राज्य के लोगों के बीच हम लोगों को एक सम्मान मिला। और बिल्कुल, चाहे कोडरमा लोकसभा की बात कीजिए, चाहे बगल में हजारीबाग लोकसभा है और पीछे तो सर गिरिडीह हम खुद हैं,
हजारीबाग लोकसभा है, कोडरमा लोकसभा है, आपने हमारे पार्टी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर रखा, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, इसके लिए आपका आभार। जब किसी लोकसभा से कदावर नेता चुनाव लड़े थे, उनसे ज्यादा हमारे नेता का वोट आया, ये हमारे लिए निश्चय ही आएंगे। हमें उस बात की कोई निराशा नहीं है, क्योंकि है युवा अवस्था में थोड़ा सा कुछ घंटों के लिए निराशा आई थी, जब हम लोग चुनाव हार के वहाँ से मतदान केंद्र से बाहर आए तो थोड़ी थोड़ी के लिए निराशा आई, थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ आंखों में आंसू भी थे कि यार सांसद बनने का सपना टूटा, वो बड़ा बात नहीं है, लाखों लोगों का सपना टूटा उसके लिए दुखी थे और थोड़ा सा आंसू भी आए थे, क्योंकि हम लोग भी बड़े परिपक्व लोग हैं, नहीं हम लोग भी परिपक्व लोग तो है नहीं, तो नो डाउट हम लोग भी भावनाओं से भरे हुए लोग हैं, लेकिन अंततः हम लोगों ने अपने आप को बैलेंस किया और आज आपको बताना चाहेंगे, आप मेरे चुनाव रिजल्ट 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया है, आज शायद जितना भी तारीख है आज की तारीख से चुनाव के रिजल्ट की तारीख तक गिन लीजिए और मेरे फीडबैक को पता कर लीजिए, मैंने जिन समस्याओं का नोट आउट किया है झारखंड के 14 सांसदों ने मिल के किया, क्योंकि उनका आधार दिल्ली में लिख रहा है, उनका आधार दिल्ली में, आधा दिन गुलदस्ता लेते हुए, आधा दिन वीआईपी लोगों से मिलते हुए, आधा दिन ठेकेदारों से मिलते हुए, आधा दिन टूर में बिक रहा है, इसलिए बीते चुनाव हारने के बाद जितने समस्याओं का हमने सॉर्ट आउट किया है, जो हमारी हैसियत है छोटी रहे थोड़ा मीडियम साइज की समस्या रहे, जिन समस्याओं का हम लोगों ने समाधान किया ये जो बाकी सांसद मिलकर नहीं किया, हाँ वो हमसे अच्छा करेंगे क्योंकि पावर में, वो संवैधानिक पावर में, हम ये नहीं कह रहे हैं हम इसे अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अभी एक महीना का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं आप, एक भी दिखा दीजिए, आज हम लोग एक दिन में 3 जगह मजदूर बैठे थे धरने पर, 3 जगह हम लोग मुआवजा दिलाए, बगोदर में मलेशिया से डेड बॉडी आई, डेड बॉडी 20 दिन बाद आई और मुआवजा 5 दिन में पहुंचा, हार मान चुके थे, यहाँ तक कि पदाधिकारी आईएएस पदाधिकारी बोल रहे थे कि यार इतने में मान लो विदेश की कंपनी है, हमने कहा एक बार हम लोग को प्रयास करने हमें भी 12 लाख आईएएस पदाधिकारी ने हार मान लिया था कि कंपनी विदेश में मलेशिया में है, कैसे लड़िएगा, कैसे मुआवजा लीजिएगा, जो दे रहा है ले लीजिए, 6 लाख ले रहा था पहले तो 3 लाख फिर 6 लाख, हमने कहा नहीं कम से कम राउंड में दीजिए, तो फिर बात करते करते बात करते करते हम लोग 5 दिन के भीतर उसको 12 लाख का मुआवजा और डेढ़ बड़ी बात मारी, तो ये नहीं ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ बोले और वो काम हुआ ही नहीं, आपके पास 2 आंखें हैं, आंखें खुली हैं, आपके कान खुले हुए हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप सूचना ले सकते हैं, पिछले 1 महीने का हम पूरा 2 साल 2.5 साल छोड़ देते हैं, 1 महीना का रिपोर्ट उठा ली, एक जगह नहीं पूरे झारखंड कोल्हान से लेके गोड्डा तक हमारी टीम गोड्डा वाली कोडरमा भी आई थी, प्रेम जी रविदा महेंद्र जी कोडरमा भी हमारी टीम आई थी, रेलवे में था ऊपर से एक मजदूर नीचे गिर गया था, कोई सामने नहीं था, हमारी टीम वहाँ खड़ा होती है, जो हमारी हैसियत है, हम लोगों ने उस परिवार को कोडरमा की घटना है, जिस दिन संवैधानिक पदों में आएंगे क्या क्या है, सोच लीजिए कि हम लोग अगर संवैधानिक पदों में आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, बड़ा इतना सोचिए, विश्वास कीजिए आपकी शिकायतों को लंबा नहीं खींचा जाएगा, एक टेलीफोन से आपकी समस्या का निदान होगा, जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पर आएंगे, जब भी कोई पावर में आता है उसका एक रिएक्शन होता है, जब भी कोई पावर में आता है चाहे जंगल का शेर हो चाहे गजराज हाथी हो, अगर उसको पावर है तो नुकसान किसी को होता है, अगर शेर पावर में है तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है, अगर हाथी पावर में होता है तो बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ता है, ये नियम है, कोई भी पावर में आए, अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, आप अगर सोच रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा तो गलत सोच रहे हैं, हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान उनका होगा, चाचा भतीजा नुकसान होगा, नुकसान होगा डीसी छवि रंजन जैसे पदाधिकारियों को, नुकसान होगा इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जैसे लोगों का, जिनका बेटा तीसरे दिन में 35 घर का टी शर्ट बदलता था उसको बनियान में घुमाए, नो डाउट हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा,
बिल्कुल दुनिया की रीत है, जो भी पावर में आता है नुकसान होता है, लेकिन हम लोग पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। पहले हुए हैं जो करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं, नुकसान उनका होगा जो बालू की गाड़ी से चंदा लेते हैं। और ये हवा हवाई बात नहीं, हम एक दिन की घटना बता रहे हैं। हमारे धनबाद के जिला अध्यक्ष हमारा इंतजार कर रहे थे बरवड्डा में, हम गोविंदपुर में थे, हम गोविंदपुर में आए बरवड्डा, उन्होंने रिसीव किया, वो जान बाज के गाड़ी बढ़ाई नहीं रहा। हम बोले क्या बात है, गाड़ी कहीं नहीं बढ़ा रहे हैं। बोला आप लोग देख के पुलिस लोग मुंह घुरा लिया है, यहाँ पे लोग चंदा ले रहे हैं। बोला और पास में रुकिए ना, ये लोग यहाँ से निकल गए। अगर राजगंज से तुम चाची तक अगर कहीं हम लोग खड़ा हो जाते हैं, वहाँ प्रशासन के लोग चंदा लेना बंद कर देते हैं। ये माहौल बदले बिना किसी संवैधानिक पद के। अगर संवैधानिक पद में अगर रास्ते में गुजरेंगे ना, तो खाली अनुमान कर लीजिए बहुत कैसे। महेंद्र कैसे है भगवान? कहाँ है आपको? खैर महेंद्र है।